अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन्थ स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर टू की का ग्रामर फोकस कर रहे थे कल, आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे पजेसिव प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजेशन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत शो करना। एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी मलकियत को या किसी चीज़ की किसी के साथ बिलोंगिंगनेस को शो करे वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज उस लड़के का, हर्स उस लड़की का, इट्स उस चीज़ का, एंड देयर्स उनका। ये तमाम जो प्रोनाउंस हैं ये पोजेशन या मलकियत को शो करें, इसलिए हमको पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। दिस डंकी इज माइन, इट्स नेम इज कोंग। माइन क्या शो करें, ये मेरा गधा है। The cat is eating food in its tree house. Its food, cat अपना खाना खा रही है। Your rabbit is adorable but not as adorable as ours. Ours शो करें हमारे जैसा, मतलब आपका जो है rabbit बहुत प्यारा है लेकिन हमारे rabbit जैसा प्यारा या काबिल प्यार कर, मतलब मोहब्बत की काबिल नहीं है। In these glass, is these glasses yours? क्या ये glasses या ऐनक तुम्हारी है? This jewelry set is hers. He lent me his camera. The ship is theirs. तो ये तमाम जो हैं बोल्डेड फॉर्म में प्रोनाउंस हैं जो कि पोजेशन को शो करे हैं, किसी के साथ मलकियत का या फिर ताल्लुक होने का इजहार कर रहे हैं। ऐसे प्रोनाउंस को हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, राइट सेंटेंसेस यूजिंग द पोजेसिव प्रोनाउन गिवन ऑन द प्रीवियस पेज इन योर नोटबुक। अभी जो हमने प्रोनाउंस पढ़े, माइन, योर्स, देयर्स, इट्स, हर्स, हिज, इन तमाम प्रोनाउंस को आप लोगों ने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, एंड होपफुली यू कैन डू इट वेरी इजीली। नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे प्रोनाउंस होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। दीज प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वही एंड में ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो रहा हो, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक हो गया? अगर सिंगुलर होगा तो एंड में उसके साथ प्रोनाउंस से सेल्फ लग जाएगा, और प्लूरल होंगे तो सेल्स लगेगा। जी, रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई वॉज ट्राइंग टू फिक्स द नेल बट आई हर्ट माई सेल्फ। आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, उसी का ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है माई सेल्फ। तो माई, आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस माई होता है, उसे सेल्फ लग जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक हो गया? सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ लगाएंगे। हाँ, शी बॉट अ बैग फॉर हर सेल्फ। शी इज़ अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड हर इज़ ऑब्जेक्टिव केस एंड सेल्फ यूज टू मेक इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। You are not allowed to go to the market by yourself. You ka yourself. You should do the dishes yourselves. You should do the dishes yourselves. Plural tha to usko plural mein himself kar diya. Talha bought a new cricket kit for himself. This truck stops itself. God helps those who help themselves. तो इन तमाम को आप लोगों ने ध्यान में रखते हुए इसका भी अपने काम करना है। काम क्या है आपका? राइट सेंटेंसेज यूजिंग द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस गिवन अबव इन योर नोटबुक। ये जो माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्स, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, आप लोगों ने क्या बनाने हैं? जी हाँ, सेंटेंसेज बनाने हैं अपनी नोटबुक में, नीट नीट सा काम करना है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही काम करते हैं ताकि आप लोग होमवर्क आसानी से कर सको। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।